ये लीफ बनाने के लिए मैंने 6 नंबर मोती लिया है और ये 4 नंबर है और ये 3 नंबर है। अभी 3 मोती लेंगे। ये 4 नंबर का मोती जो है 4 mm साइज का मोती मैंने ले लिया है। 3 मोती लेके अभी इसको यहाँ पे नॉट लगाना है। इस तरह से नॉट लगाना है। फिर ये जो बीच में मोती है इसमें जाना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए, एक 3 mm मोती, एक 4 mm मोती, फिर एक 3 mm मोती। इस तरह से 3 मोती अभी लेना है। ऐसे 3 मोती मैंने ले लिया है। लेने के बाद अभी ये जो बीज वाला जो मोती था इसमें से नीडल पास करना है। तो इस तरह से बनेगा, ये देखिए। अभी ये जो 4 नंबर जो मोती है इसमें इस तरह से जाना है। इस तरह से फिर ये 3 नंबर मोती, एक 4 नंबर मोती और एक 3 नंबर मोती। इस तरह से 3 मोती लेना है। तो इस तरह से बनाना है। फिर ये 4 नंबर मोती में हैंडल पास करना है और फिर से इसी तरह बनाते जाना है। फिर देखिए, इसको छोड़ के ऐसे 6 बार बनाऊंगी, ऐसे 6 बार बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने ऐसे 6 बार बना लिया है। इसको लेके 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 3 लेके ऐसे 7 बार। तो अभी ये जो 4 नंबर मोती है इसमें जाना है और यहाँ पे अभी ये 4 नंबर मोती लेना है। एक इस तरह से मैं 14 मोती लूँगी। ये 4 नंबर का मोती यहाँ पे लेना है। 14 मोती ले लिया है। इस तरह से 14 मोती अभी लेना है। लेने के बाद अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मोती है। देखिए, इस साइड का जो मोती है इसमें से हैंडल पास करना है। तो ये इस तरह से बनेगा। फिर अभी 3 मोती लेंगे, सॉरी 3 नहीं, 2 मोती लेंगे इस तरह से और एक मोती छोड़ के। ये 2 मोती लिया है, एक मोती छोड़ना है और इसमें से नीडल पास करना है और इसमें से यहाँ पे इस साइड जो मोती है इस साइड में इसमें आना है ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ 14 मोती लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 14 मोती फिर से ले लिया है इस तरह से। अभी यहाँ पे देखिए, इस मोती में से नीडल पास करना है। ये जो लास्ट में 4 mm है यहाँ पे, इसमें से नीडल पास करना है और ये इस तरह से बनेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी जो है ये 4 mm मोती में, ये 4 mm और ये 3 mm, 3 mm मोती में अभी नीडल पास करेंगे। यहाँ पे अभी 3 mm मोती लेना है। 3 mm का अभी 5 मोती लेंगे। देखिए, अभी इस तरह से 5 मोती लेंगे। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 5 मोती छोड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे गांठ नहीं लगाएंगे, इस तरह से करेंगे, सिर्फ इसको फंसाएंगे। ये देखिए, ये फंसा लिए। फंसाने के बाद ऐसे अभी इसी में से फिर इस साइड में जाना है, रिटर्न जाना है इस तरह से। अभी रिटर्न
जाना है। ये देखिए यहाँ आ गए। अभी यहाँ से फिर से उस साइड में जाना है। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसमें से फिर ये 4 mm में से, अभी 3 mm में से, ये जो है 3 mm इसमें से निकालेंगे। अब इस साइड में भी 5 मोती लेना है। देखिए 5 मोती मैंने ले लिया है। लेने के बाद इस साइड में भी उसी तरह करेंगे। ये देखिए इधर से काउंट करेंगे नीचे से, 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसको धागा जो है, ये धागा नायलॉन धागा यहाँ पे फंसाएंगे। ये 1 2 3। तो देखिए इस तरह से कर लिया है। अभी जो है इसमें से नीडल पास करना है 4 mm मोती में से, ये इस तरह से। अभी करने के बाद अभी ये जो 3 mm मोती है इसमें से नीडल पास करना है। फिर यहाँ पे फिर से 5 मोती लेना है। फिर से मैंने 5 मोती ले लिया है। लेने के बाद अभी यहाँ पे 2 मोती छोड़ेंगे। यहाँ पे है तो यहाँ पे करेंगे 1 2 2 मोती छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे फंसाएंगे, फिर नीडल को इस साइड में लेके आएंगे। अभी फिर से रिटर्न जाएंगे इसी मोती में से। देखिए फिर इस साइड में आ जाएंगे, ये 4 mm मोती, फिर 3 mm मोती में जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर इस साइड में 5 मोती लेके इस तरह से बनाएंगे। फिर देखिए ये यहाँ से ये वाला मोती जो है इसमें, अभी इसमें से बनाना है। यहाँ पे 4 मोती लेना है। देखिए अभी 4 मोती लेना है। 4 मोती लेके उसी तरह फिर बनाना है। 2 मोती छोड़ेंगे, यहाँ में फंसाएंगे यहाँ पे। फंसाने के बाद उसी मोती में से रिटर्न आना है फिर से। फिर इस साइड में भी इस तरह करना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड 4 4 मोती लगा के कर लिया है। अभी जो है 4 mm मोती में से और फिर ये 3 mm मोती में से निकालना है। अभी यहाँ पे 3 मोती यहाँ पे लगाना है। देखिए मैंने 3 मोती ले लिया है और यहाँ पे 2 मोती छोड़ के, 4 नंबर जो 2 मोती छोड़ के यहाँ पे करना है। फिर उसी 3 मोती में से रिटर्न आना है इस तरह से। फिर इस साइड में भी इसी तरह करना है। इस साइड में भी 3 मोती लेके इस तरह से करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं लीफ बना के कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।